नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के अतपुर महादलित टोला में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 130वीं जन्म जयंती समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता रामपति रविदास और संचालन भाजपा कोषाध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि औरंगाबाद लोकसभा सांसद सुशील कुमार सिंह मौजूद रहे। वही कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया और सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और पुष्प की माला पहनाकर स्वागत किया गया। वही सांसद ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ। इनका बचपन एक ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहां दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्टी लेकर जाते थे, वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन पर इस छुआछूत का व्यापक असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक रूप में सामने आया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में अंबेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा है और वे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी थे। सामाजिक भेदभाव, अपमान की जो यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी, उसके कारण वे उसके विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संकल्पित हो उठे। उन्होंने उच्च वर्गीय मानसिकता को चुनौती देते हुए निम्न वर्ग में भी ऐसे महान कार्य किए, जिसके कारण सारे भारतीय समाज में वे श्रद्धेय हो गए। आगे कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास का धारा बह रहा है और बताया कि मोदी जी ने गरीबों को आगे बढ़ाए है। 2014 में मोदी ने कहा था, यह गरीबों की पार्टी है और गरीबों का हर समय मदद करता हूँ। गरीब के कार्यों का वर्णन करते हुए कहा कि किसान को 6,000 रुपए सब्सिडी, गरीबों को उज्ज्वला गैस योजना, जनधन के खाते खोले जाने से लोगों को सुविधा मिली। मैं भी अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर हर गरीब, मजदूर, असहाय, निर्धन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ, समस्याओं का निदान करता हूँ। कोरोना काल में सीधे 1,000 रुपए और 500 खाते में भेजा गया। इस मौके वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, जिला महामंत्री मुकेश शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता सह शक्ति केंद्र प्रमुख अवधेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सह जिला पार्षद दीनानाथ विश्वकर्मा, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष बबल सोनी, महामंत्री शिव नारायण साव, बबलू सिंह, संजय कुमार, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष विमलेश पासवान, मुकेश पासवान, पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष रंजीत कुमार शर्मा, गोरक्षा जिला अध्यक्ष संजय उर्फ योगी, वार मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अशोक प्रसाद, उप मुखिया कुंदन कुमार सिंह, भाजयुमो अध्यक्ष राम कुमार सिंह, बबलू सिंह, अजय कुमार, सूरज कुमार, लल्लू सिंह, रामस्रावत राम, प्रिंस राज उर्फ गुड्डू राजा, चुनू शर्मा, अशोक विश्वकर्मा के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट प्रभु सिंह कुणाल, औरंगाबाद, बिहार।